याद है ममता, उस दिन महाराज जी कह रहे थे छेड़ के बारे में, तो मैं सोच रही थी कि छेड़ वैसे तो पोएट्री के बीच में जैसे कोई किसी को छेड़ रहा है, कृष्ण छेड़ रहे हैं, पर एक और आइडिया भी छेड़ के आया था, वो भी महाराज जी का बताया हुआ है, पर बाद में बताऊंगी तुम लोगों को। सोचो अपने अपने तरह से छेड़ के तरीके। महाराज जी से पूछेगा? हाँ पूछते हैं। महाराज जी, छेड़ शब्द को हम भाव के रूप में अलग अलग तरीके से कैसे देख लाएंगे? हाँ ये अच्छा सवाल है, और हमारे बुजुर्गों ने तो बस, चाचा जी ने, बाबू जी ने, सभी ने ऐसे ऐसे भाव किए हैं कि हम क्या बताएं। मतलब जो उन्होंने कह दिया आंखों के जरिए, हाथ के जरिए, पूरी महफिल में लोग वही महसूस करते थे कि उन्होंने खुशबू कर दी, खुशबू की सुगंध को जैसे सूंघा, और जैसे ही उन्होंने सुगंध किया तो सबको वाकई में लगता था वाकई में सुगंध आ रही। एक बार हमारे बाबूजी भाव, अच्छन महाराज जी हमारे भाव बता रहे थे, तो सामने एक आदमी बैठा हुआ था, उन्होंने कृष्ण का भाव किया कि कंकड़ी ली उसने, कृष्ण ने, और मटकी के ऊपर फेंकना चाहा, वो उनका फेंकना था, यो करके जो अगला आदमी बैठा था वो ऐसे झुक गया कि जैसे उसको कंकड़ी लग जाएगी। ऐसी सच्चाई भाव में थी कि मतलब हम बयान नहीं कर सकते, मतलब सब हमारे महाराज जी, विष्णु महाराज जी, रुचु महाराज जी, सभी लोग इतने शून्य को जागृति दे देते थे कि शून्य में कुछ ना होते भी लगता था साकार सामने खड़ा हुआ है, और जिसके अभिनय में ये साकार दिखाई पड़ने लगे बगैर किसी चीज के, तो कहते हैं अभिनय अति सुंदर, और आप आज अब मतलब अभिनय हो रहा है। इसी तरह अभी जो तुमने छेड़ की बात की, तो हमारे बताने के पहले तो हम चाहेंगे जरा तुम लोगों के दिमाग ने, तुम लोगों के विचार ने, छेड़ जो शब्द है वैसे अत्यंत सुंदर शब्द है, और उसके बगैर संसार ही नहीं है, मैं ये जानता हूं। और शुरू में इतना से बता दूं कि तबला रखा है, सितार रखा है, सारंगी रखी है, सब रखा है, पर छेड़ने वाला कोई नहीं है। जैसे ही कहते हैं कि भाई जरा एक सुर छेड़ो, तो हम लोग सब अपना अपना मिला लें। यही बात महाराज जी मैं कहना चाह रही थी ममता को, कि आप एक बार रेफरेंस आपने ये दिया था कि छेड़ एक पोएट्री के लिंक में, कोई किसी को छेड़ रहा है वो एक अलग बात है, पर छेड़ मतलब साजों का छेड़ या हवाओं का छेड़ जाना, कोई चीज हवाओं ने छेड़ दिया, साजे तरन्नुम जैसे बड़े शायरों भी ने भी लिखा है, तो छेड़ की रेफरेंसेस इमेजिनेटिव बहुत जा सकती है, बहुत खूबसूरत है। और जैसे हवा ही हीरो है, हवा ही नायक है, और पत्तियों को छेड़ता है, फूलों को छेड़ता है, बल्कि अच्छे अच्छे कवियों की रचनाओं में भी जूही की कली करके जैसे जो चर्चा है कि कैसे चमेली को छेड़ती हुई हवाएं चली जा रही इत्यादि इत्यादि। तो यानी उसके बारे में विचार किया जाए तो अनेक भावों का विस्तार होता है, उपज होती है। तो जरा हम चाहेंगे कि तुम लोगों को तो कुछ तो समझाया मैंने, अब अपने आप जरा एक छेड़ का जिक्र करो। और महाराज जी हम लोग करेंगे तो, पर आप अगर कोई ठुमरी की लाइन या वर्ड दे दें तो सबको करने में इजी होगा। मैं गुनगुना देता हूँ, लेकिन फिर आप लोग शब्दों से छेड़ छेड़ करिए, गाना के साथ नहीं। अच्छा। अब आप लोग छेड़ बताइए,
इसको छेड़ हमने बताए हैं, अब आप लोग चलो कुछ छेड़ थोड़ा थोड़ा करो। मोहे छेड़त छेड़त मोहे छेड़त मोहन गिरधारी और मोहे छेड़त यानी आंचल पकड़ा ए मोहन गिरधारी। हाँ जरूर मोहे छेड़त नथिया खींचते हुए मोहे छेड़त मोहन गिरधारी। ठीक है ना महाराज जी? बढ़िया। और गौरी आप दिखाओ। मोहे छेड़त मोहन गिरधारी यानी पकड़ पकड़ के बांधा। और कुछ एक और मोहे छेड़त आंचल पकड़ के मोहन गिरधारी। मोहे छेड़त मोहन गिरधारी मोहे। अच्छा तुम लोग सब लोग क्यों एक ही कृष्ण एक ही मोहन गिरधारी पे लगे हुए हो? और पहली बात तो महाराज जी एक चीज और हमको ये पूछना था, जैसे इसमें कह तो रहे, ये शायद कथक का एक स्टाइल है और वो मैं आपसे और क्लियर करना चाह रही हूँ। शब्द कह रहा है मोहन गिरधारी यानी मोहन गिरधारी, पर वो तो एक सिर्फ सिंबल है कि उन्होंने वो गिरधारी नाम से पहचाने गए, पर कथक में शायद ऐसा नहीं है कि हर बार गिरधारी आए तो वही दिखाया जाए। गिरधारी के रेफरेंस में कोई भी हो, बार बार गिरधारी तो एक रूप बन गया, लेकिन उसके बाद वो पुकारे गए गिरधारी ऐसे करके, लेकिन बार बार गिरवर दिखाना उचित नहीं है। जैसे गोपाल मुरारी अक्सर गोपाल गोपाल हर वक्त गोपाल पे ही चले जाते हैं, तो वो जरूरी नहीं होता है ना। महुआ एक आध छेड़ और बताओ जरा देखें। चिकोटी ली मतलब छोटी सी चिकोटी। हाँ चिकोटी क्या है? अब ऐसा भी होता है कि अब शाश्वती तुम स्वयं दिखाओ जरा, तुम भी तो दिखाओ जी। जरा दो नहीं, जैसे आपने बताया तो सबसे पहले तो बांसुरी कह रही है कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी। बांसुरी इठला रही है कि मोहे मुझे किसने छेड़ा, न मोहन गिरधारी ने छेड़ा, या फिर मोहे छेड़त मोहन गिरधारी यानी कि कंकड़ी से फेंकी छेड़ा और उंगली में लगी, उसकी लगी, या अब वो वाली बात जो महाराज जी कहते हैं लड़की चिट्ठी पढ़ रही है कृष्ण की चिट्ठी, अचानक चिट्ठी में कोई बात है मोहे छेड़त, चिट्ठी नॉर्मल पढ़ते पढ़ते उसमें अचानक कोई चीज ऐसी आ गई कि हाँ हम तुमको छोड़ेंगे, ऐसा शब्द आ गया जिसमें उसको उसकी छेड़ का रेफरेंस मिला जो डायरेक्ट नहीं भी है। तो मेरे ख्याल से ये चीज महाराज जी कथक की एक विशेष अंग भी है ना, कि इस तरह से जो शब्द नहीं भी हो कहीं कहीं पे। महाराज हमारे कहा करते थे कि जहाँ बेटा शब्द खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर कलम रुक जाती है कवियों और शायरों की, वहां से मेरे भाव शुरू होते हैं। तो यानी कितना उनके अंदर क्या विचारधारा कैसी गहरी और दूर तक होती, मतलब बड़ी गहरी, कि जिसके अंदर वो रूप जो है ना। महाराज जी एक चीज और आप बताएंगे, आप हाव भाव का जिक्र कर रहे थे तो अब आप छेड़ के हाव भाव दोनों हिस्से में। हाव भाव में ऐसा है कि हाथ उसमें हाव में हाथ नहीं उठते हैं, केवल चेहरे के अंदर जितने हिस्से हैं भमे
या पुतलियां या गर्दन के डोरे, जिसको हम लोग कहते हैं कि गर्दन चलाना, कि कुछ भी नहीं, कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, मतलब हाथ नहीं उठ रहा है, कि मोहे एक छेड़त, ये भवों से छेड़छाड़ हुई, कि मोहे छेड़त, बाई भाव जो है कि मोहे सखी है, और दहनी भाव जो है उस वक्त कृष्ण के भूमिका में है कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी। भावों ने बात कर दी दोनों की कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, और जरा सा अंगों का प्रयोग होता कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, केवल कंधे ने वो बात कह दी कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी। तो इस तरह से हाथ नहीं भी उठे, मतलब हाथ तो बाद में उठते, हाव जब काफी चीजें हो जाती, कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, पुतलियां ही जो छेड़ रही हैं उस जगह को जहां पर वो नजर पड़ रही, कटाक्ष इसको जैसे कहते हैं, कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी। तो केवल पुतली से भी उसको दर्शाया जाता है, ये हाव में इन तमाम चीजों का प्रयोग होता है। अब छेड़, अब कई बार क्या होता है कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, पूरे जो उसकी पंक्ति है पूरी, उसको ना लेते हुए केवल छेड़ पे शुरू हो जाते हैं कि छेड़त, अब उसके साथ लिंक नहीं बल्कि सिर्फ छेड़ पे आ जाते हैं। अब उसमें अनेकों छेड़ का चर्चा होती है। अब छेड़ जैसे भंवरा कृष्ण के समान आकर कलियों को छेड़ता है, फूलों को छेड़ता है, कि मोहे छेड़त तो मोहन गिरधारी, इन्हें भंवरे ने छेड़ा है, जैसे कृष्ण छेड़, जैसे कृष्ण छेड़ते हैं, मोहे छेड़त छेड़त मोहन गिरधारी, है ना, मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, उसने आके हार को पकड़ा कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, हार टूट गया है, मोहे उसी से छेड़त मोहन गिरधारी, कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, कि सखी सो रही है, कि मोहे मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, या महाराज जी सखी सो रही है और ख्वाब में उसको आया कि मोहे छेड़त, कोई है भी नहीं, हाँ मोहन गिरधारी, उसे लगा कि अरे छेड़ गया वो तो मुझे ख्वाब में, हाँ, और अनेकों कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, कि ए मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, मोहे छेड़त मोहे छेड़त, अब देखो छेड़ आया कि मोहे एक चिड़िया ने दूसरे को छेड़ा, छेड़ा दोनों उड़ रहे थे कि मोहे छेड़ा तो मोहन गिरधारी, सवाल नहीं छेड़, तो अनेकों छेड़ छेड़ फूल मोहे
छेड़त मोहन गिरदा, वो टूटना नहीं चाह रहा डाली से और वहीं हिल रहा है, और इसने ये कहा कि मुझे छुओ नहीं कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, वो डाली से नहीं टूटा। तो ऐसे करके अनेकों छेड़ के चर्चाएं हैं, मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, ए मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, मोहे मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, ये दूसरा छेड़ हो गया कि दांत से ऐसा। अब बड़ी बारीक बार बार कह रहा हूं, अधर जो है वो हीरोइन है, अधर जो है वो नायिका है, और जो दांत है वो उस वक्त छेड़ने वाला है, एक है किसको छेड़ रहा है कि मोहे छेड़त तो मोहन गिरधारी। अब देखिए आप कि अधरों को दांतों ने छेड़ दिया कि मोहे मोहे छेड़त तो मोहन गिरधारी। अब इस जमाने में तो उस चीज को बहुत बुरे ढंग से ले लिया, आंख मारना जैसे एक शब्द था हमारे यहाँ कि वो आंख मार रहे हैं, लेकिन कोई गुंडा आंख मारे तो वाकई में उसके उसकी भावना में दूषित भावना है इसलिए। लेकिन अक्सर ये हुआ है कि मोहे ध्यान से देखो, बहुत बारीक आंख इसकी पड़ती है, ऐसा नहीं लगता जैसे महाराज शंभू महाराज कहते थे अम्मा आंख मार रहे या क्या मुसीबत है, छेड़त कह लगे ये कोई आंख मारना है। आंख मारना जो है एक शब्द है कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, बहुत बारीक है कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी। महाराज जी पर अब ये महफिलों का मामला खत्म होने पे ये चीजें तो ये चली गई है, लेकिन अंदरूनी तो है, अंदरूनी तो हम लोग अंदर छिपी हुई है अपना मजा लेने के लिए, अपने मजा लेने के लिए, वो तो है तो सही है कि मोहे छेड़त मोहन गिरधारी। तो यानी कि महाराज जी वो भी अभी स्टेज पे और महफिल के भाव में बड़ा अंतर हो गया होगा ना। हाँ महाराज जी, एक चीज और मैं आपको इन लोगों को समझने के लिए याद दिला मैंने पूछना चाहती हूँ, नायिका अलग अलग है, छोटी है बड़ी है, गुस्सेल है, मोहे छेड़त क्यों छेड़ा तुमने, या कोई मोहे छेड़त रूठ गई या नाराज हो गई, तो हर अवस्था की नायिकाएं या हर उम्र की नायिकाएं, हाँ वो तो होती है, या वाकई में नाराज हो गई या कोई चाह रहा है कि छेड़त फिर भी कह रही कि नहीं महाराज जी दो तीन इस तरह के अंदाज कि मोहे मोहे छेड़त मोहन कह रही है छेड़ रहे हैं पर उसे अच्छा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि ए मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, ए मोहे छेड़त मोहन गिरधारी, मोहे छोटी छोटी उम्र की नायिका गिरधारी। तो ऐसे अनेकों मतलब उसके नखरे भी हैं, ऐसे भी हैं वैसे भी। अब एक भाव और भी हमें इच्छा है कि आप अगर बता सकें कि एक ठुमरी में जिक्र आता है, मेरी सुनो शाम मेरी सुनो शाम मेरी सुनो शाम, जाने शाम घेरी में तो
श्याम घेरी, अब एक तो स्वयं कृष्ण है श्याम घेरी, पर श्याम की तरह बहुत सी चीजें हैं जो श्याम रंग की भी हैं और घेरना भी है। तो श्याम घेरी, एक श्याम घेरी बता दो जल्दी से ममता, बताओ श्याम घेरी। हाँ ठीक, श्याम घेरी, हाँ बहुत अच्छा, यानी कि सुर्मा, काले सुरमे ने आंखों हाँ। को घेर रखा है। महुआ बताओ, श्याम, सूर्य डूब गया और शाम हो गई, श्याम घेरी, श्याम घेरी, हाँ श्याम घेरी, श्याम यानी संध्या, 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 श्याम ने, संध्या ने घेर लिया आकाश को, ठीक है। जैसे तुमने वहां बताया ना कि श्याम चिराग जला और श्याम, अब चिराग और बुझ भी गया अगर तो उसका धुआं भी श्याम घेरी, श्याम की तरह चारों तरफ घने बादलों की तरह, ठीक, और भी अंधेरा। तो मेरे ख्याल से इसकी चर्चा तो अंतहीन है, करते रहो, देखते रहो, सोचते रहो। तो ये था हाव भाव। किशोर झूलत राधे
घेरी घन घहरात बादल घेरी घन घहरात बादल घेरी घन घहरात बादल घेरी घन घहरात बादल घटा उठी घन घटा उठी घन पवन मंद सुगंध बोलत पवन मंद सुगंध बोलत पवन मंद सुगंध डोलत पवन मंद सुगंध डोलत बरस रहे चहुओ बरस रहे चहुओ बरस रहे चहुओ राग नवल किशोर झोलत राग नवल किशोर झोलत राग नवल किशोर झोलत मुकुट इत उति चंद्रिका मुकुट इत उति चंद्रिका मुकुट इत उति चंद्रिका मुकुट इत उति चंद्रिका इत श्याम उत्तन गो इत श्याम उत्तन गो मनहु घन पर तड़ित चौकत मनहु घन पर तड़ित चमकत देख नाचत मोर देख नाचत मोर देख नाचत मोर झूलत राग नवल किशोर झूलत राग नवल किशोर झोलत राधे नवल किशोर झोलत राधे ब्रह्मा शिव सनकादि नारद ब्रह्मा शिव सनकादि नारद करत जय जय शो करत जय जय शो बिंद दीनु पे कृपा करो प्रभु बिंद दीनु पे कृपा करो प्रभु यही मांगो कर जो यही मांग कर मांगो कर जो झोलत राधे नवल किशोर झोलत राधे नवल किशोर झोलत राधे नवल किशोर झोलत राधे झोलत राधे झोलत नवल किशोर।
झूलत राधे।